हमारी अपनी ओरिजिनल जो नेचर है वो पीस है, लेकिन हम उसे रोज़मर्रा के जीवन में अनुभव नहीं कर पाते। आज के मेडिटेशन में चलिए हम हमारी इस इनर पीस को टच करते हैं। अपने आप को मेडिटेशन के लिए प्रिपेयर कर दीजिए। स्पाइनल कॉर्ड को सीधा रखते हुए डिवाइसेस को साइलेंट पर रखिए और शरीर से थोड़ा सा दूर रखें। आसपास डिस्टरबेंस ना हो इसका खास ध्यान रखें। अपने सांसों की गति पर पूरा ध्यान केंद्रित करें। गहरी और लंबी सांस। अब हम एक सुंदर पॉन्ड, तालाब, उसके किनारे चलते हैं। बहुत सुंदर लग रहा है। चारों तरफ की पहाड़ियों के बीच ये तालाब है। पहाड़ियों की हरियाली ने इसे और भी खूबसूरत बना दिया है। अब अगले स्टेप में हम तालाब के किनारे पर बैठते हैं और हल्के से उसमें अपने पैरों को छोड़ते हैं। जैसे ही पैरों को पानी में छोड़ा, पानी के स्पर्श से अच्छा महसूस हो रहा है। फील करें। आप विजुलाइज कीजिए कि जीवन की कड़वी यादें, नाराजगी, हमारे साथ किसी का गलत व्यवहार, जो हमने अपने मन में स्मृतियों के रूप से रखा है और जो मेरे पूरे शरीर में नकारात्मक ऊर्जा फैलाता है, वह पूरी नकारात्मक ऊर्जा पूरे शरीर से फ्लो होकर पैरों के पास जा रहे हैं और मेरे पैरों से पानी के अंदर डिसॉल्व हो रहा है। वो सारी ऊर्जा मेरे पैरों से बाहर निकलकर उस वाटर के अंदर, वो तालाब के पानी के अंदर डिसॉल्व हो रही हैं, बह रही हैं और मैं हल्का महसूस कर रहा हूँ, बहुत हल्का। और मैं अपने इनर पीस के साथ कनेक्ट हो रहा हूँ। मेरी इनर पीस पर इन यादों का लेयर था। आज मैंने उसे पानी में डिसॉल्व किया है और सिर्फ लेयर हटाया और मैं अपने ओरिजिनल नेचर से कनेक्ट हो गई हूँ। कितना सुकून है, कितना सुखद अनुभव है खुद के असली स्वभाव के साथ जुड़ने में। दिन में इस एक्सरसाइज को
हम कई बार विजुलाइज करते हुए अपनी नेगेटिव ऊर्जा को पूरा बाहर निकालेंगे और अपने असली इनर पीस के साथ आसानी से कनेक्ट हो सकते हैं, अपने ओरिजिनल नेचर के साथ।